हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट। फर्स्ट ब्लैंक अभी हमने देखी, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ब्लैंक। इसमें है टुमोरो डैश अ हॉलीडे। तो टुमोरो यानी कि आने वाला कल, और आने वाला कल वो होगा फ्यूचर टेंस, है ना। तो मैंने आपको कहा था ना, अगर टुमोरो होता है तो हम क्या यूज करेंगे, शेल बी या तो फिर विल बी, और आई के साथ शेल बी, बाकी सबके साथ विल बी। तो इधर टुमोरो है तो हम क्या लिखेंगे, विल बी। टुमोरो विल बी अ हॉलीडे, तो टुमोरो छुट्टी रहेगी। ओके, देयर डैश नो स्कूल टुमोरो, तो कल स्कूल शुरू नहीं रहेगी, कल छुट्टी रहेगी, इसलिए कल स्कूल नहीं होगी। तो देयर डैश नो स्कूल टुमोरो। इस ब्लैंक के पास में भी टुमोरो है और इस ब्लैंक के बाद भी क्या है, टुमोरो, यानी कि दोनों ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे, विल बी। तो टुमोरो विल बी अ हॉलीडे, देयर विल बी नो स्कूल टुमोरो। अब हम कर रहे हैं थर्ड ब्लैंक। सुनील डैश द कैप्टन ऑफ अवर टीम इन द नेक्स्ट मैच। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको नेक्स्ट किस में आता है, नेक्स्ट ये रहा फ्यूचर टेंस में, नेक्स्ट आता है तो उसका मतलब हम क्या लिखेंगे, शेल बी लिखेंगे या तो फिर विल बी। और शेल बी भी हम किसके साथ लिखते हैं, जहां आई होता है। पर इधर तो क्या है, सुनील है, तो हम क्या यूज करेंगे, विल बी। तो टुमोरो सुनील, थर्ड वाली है ना, सुनील विल बी द कैप्टन ऑफ अवर टीम इन द नेक्स्ट मैच। इसमें ये कहा है कि नेक्स्ट मैच जो होगी, यानी कि नेक्स्ट मैच यानी कि इसके बाद वाली जो मैच होगी, उसमें हमारी टीम का जो कैप्टन होगा वो सुनील रहेगा, है ना, वो सुनील रहेगा, मतलब ये अब होने वाला है, इसलिए हमने लिखा है विल बी। और ये हमको पता चला ये नेक्स्ट की वजह से, इधर हमको कैसे पता चला, टुमोरो की वजह से, और इधर नाउ की वजह से, और सेवन और उसके बाद एट कहा तो हमको पता चल गया। अब हम करेंगे फोर्थ ब्लैंक। यस्टरडे डैश अ हॉलीडे। तो अब यस्टरडे है, यस्टरडे मतलब गया हुआ कल, तो गए हुए कल में क्या आता है, वॉज या तो फिर वर। अब यस्टरडे वॉज अ हॉलीडे, तो गए हुए कल हॉलीडे था, गया हुआ कल हॉलीडे था। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली डैश एट होम, तो कल हॉलीडे था और फैमिली के सारे जो मेंबर्स थे वो घर पर थे, हॉलीडे था तो सब लोग कहाँ होंगे, घर पे होंगे ना, तो हॉलीडे था तो सब लोग कहाँ थे, घर पर ही थे। और इधर कहा है ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो मेंबर्स, तो मेंबर्स कितने होते हैं, बहुत सारे, तो इधर वर्ब का वर, ओके, पास्ट टेंस है ना, ये यस्टरडे की बात करें तो पास्ट टेंस। फिर फिफ्थ ब्लैंक, नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा यानी कि आने वाला साल, नेक्स्ट ईयर यानी कि आने वाला साल। नेक्स्ट ईयर सी डैश 16 ईयर्स ओल्ड, तो नेक्स्ट ईयर जब आएगा तब ये लड़की जो है जिसकी वो बात करें, तो शी 16 ईयर की हो जाएगी। कब होगी 16 ईयर की,
नेक्स्ट ईयर में, यानी कि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इधर हम क्या लिखेंगे, विल बी। सिक्स, ही डैश एब्सेंट, एब्सेंट होना, एब्सेंट भी क्या दिखाता है, पास्ट ही दिखाता है, तो ही डैश एब्सेंट लास्ट वीक। अब लास्ट वीक, अब मैंने बताया था कि जब भी ऐसा लास्ट होगा तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस, है ना। तो इधर हम करेंगे ही वॉज एब्सेंट लास्ट वीक बिकॉज ही डैश सिक, ही वॉज सिक, ही वॉज एब्सेंट लास्ट वीक, पिछले वीक वो एब्सेंट था क्योंकि वह बीमार था। ओके, सेवन, आई डैश बिजी नाउ, नाउ यानी ये अभी की बात कर रहे हैं, तो नाउ अभी, तो ये रहा नाउ, अभी की बात कर रहे हैं प्रेजेंट, तो आई के साथ क्या आता है, एम, इज के आर, तो आई के साथ क्या आएगा, एम, आई एम बिजी नाउ, मैं अभी बिजी हूं, माई वर्क डैश ओवर आफ्टर सम टाइम, अब इधर क्या है, आफ्टर, तो आफ्टर किस में आता है, देखो इधर आफ्टर आएगा फ्यूचर टेंस में, तो आई एम बिजी नाउ, माई वर्क डैश ओवर, मेरा वर्क जो है वो खत्म हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद मेरा वर्क ओवर यानी कि फिनिश हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर टेंस, तो हम इधर क्या लिखेंगे, विल बी। अब एट वाली ब्लैंक है, इट डैश लंच टाइम नाउ, फिर से आया नाउ, इधर आई था नाउ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से टेंस होंगे, प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस नाउ, तो ये है इट, तो इट के साथ, आई के साथ एम, और इट के साथ क्या यूज करते हैं, इज, तो इट इज लंच टाइम नाउ। ओके, द प्लेयर्स, अब ये प्लेयर्स है वो प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे प्लेयर्स, तो ये जब प्लूरल फॉर्म होता है तब वो प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, द प्लेयर्स आर इन द पेविलियन, they dash, ये एक मैदान का नाम है, they pavilion मैदान है, ओके, जहां पे प्लेयर्स लोग खेलते हैं, they dash back on the ground after lunch, अब इधर लिखा है after, तो after होगा तो क्या यूज करेंगे हम, देखो इधर after future tense, तो क्या आएगा, will be, शेल भी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो आई के साथ यूज होगा, तो हम क्या लिखेंगे, विल बी, तो इधर हमने क्या लिखा है, विल बी। ओके, इट इज लंच टाइम नाउ, द प्लेयर्स आर इन द पेविलियन, दे विल बी बैक, वो वापस आएंगे ऑन द ग्राउंड पे आफ्टर लंच, अभी लंच टाइम है, प्लेयर्स जो हैं वो पेविलियन में हैं, और लंच लेने के बाद वो वापिस, प्लेयर्स लोग ग्राउंड में वापिस आएंगे। अब नाइन्थ वाली ब्लैंक है, द बर्ड्स इन द नेस्ट, अब बर्ड्स ये भी प्लूरल फॉर्म है, एस, तो ये वाला प्लेयर्स में था ना एस, फिर बर्ड्स में भी एस, वैसा प्लूरल फॉर्म, तो बर्ड्स एस है, इन द नेस्ट, तो ये प्रेजेंट टेंस का, और बर्ड्स है प्लूरल, तो इधर प्लूरल वाला वर्ब, द बर्ड्स इन द नेस्ट आर वेरी स्मॉल, तो नेस्ट में जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं। ओके, दे डैश जस्ट एग्स टिल यस्टरडे, दे डैश
जस्ट एक्स टिल यस्टरडे. यस्टरडे होगा तो हम क्या लिखेंगे इधर, वर, दे वर. अभी एक लास्ट 10 वाली, इट डैश इवनिंग नाउ. तो इट नाउ है तो प्रेजेंट टेंस, तो इट के साथ क्या लिखेंगे, इज. तो अभी शाम का टाइम है, अभी इवनिंग का टाइम है. ओके, द सन डैश इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, बट नाउ इट डैश इन द वेस्ट. फिर से अभी नाउ आया तो हम इधर क्या लिखेंगे, इज. फिर सुन द सन विल बी, सुन द सन डैश आउट ऑफ साइट एंड द नाइट विल बिगिन. अभी आप पूरा पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि अभी इवनिंग का टाइम है और द सन डैश इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में सुबह ईस्ट में था ऐसा कहना चाहते हैं, पर अभी वो वेस्ट में है. और सुन यानी कि थोड़ी देर बाद, द सन है विल बी आउट ऑफ साइट एंड द नाइट विल बिगिन. थोड़ी देर बाद सन गायब हो जाएगा, सन दिखना बंद हो जाएगा और नाइट शुरू हो जाएगी. विल बिगिन, शुरू होगी. तो ये भी फ्यूचर वाला है, तो हमने इधर क्या लिखा है, विल. अब ये जो 11, 12, 13, 14, 15 ये मैंने इसमें लिखे हैं, पर आप अपने तरीके से ट्राई करना कि आप लिख सकते हो कि नहीं. ओके, और ये 5 का वीडियो मैं आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.